प्रिय छात्रों, आज हम आपके लिए कक्षा 6 का अभ्यास 3.5 के बचे हुए प्रश्न हल कराते हैं। तो देखिए, इसमें प्रश्न नंबर 5 दिया हुआ है, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखिए और उसे अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। तो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या हल, तो उत्तर देखिए, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या बराबर 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, छोटी संख्या लिखवाता है। तो स्टार्टिंग में हम शुरू में 1 लिखते हैं, 1 लिख दिया, और कितने अंक हैं, 5, तो हमें इसके पीछे 4 जीरो लगानी है। ये हमने 4 जीरो लगा दी, तो आपको ये 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या प्राप्त हो गई, 10,000। कितने प्राप्त हो गए, 10,000। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या प्राप्त होती है 10,000। 10,000 का अभाज्य गुणनखंड, 10,000 का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड। अब हमें इसका अभाज्य गुणनखंड करना है, तो यहाँ आपको 10,000 लिखना है, एक रेखा इस प्रकार से खींचनी है, इसमें इकाई का अंक 0 है, तो इसमें 2 का भाग चला जाएगा, 2 × 5 = 10, 10,000 का आधा यानी 5,000 हो जाता है। फिर 2 का भाग दिया आपने, 2 × 2 = 4, 2 × 5 = 10, 2500 प्राप्त हुआ है आपको। फिर आप 2 का भाग दोगे, क्योंकि इकाई का अंक 0 है, 2 का भाग, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, 2 × 5 = 10, 1250। 1250 में फिर 2 का भाग देते हैं हम, 2 का, क्योंकि इकाई का अंक क्या है हमारे पास में, 0 है, 2 × 6 = 12, 2 × 2 = 4, 2 × 5 = 10, 625 प्राप्त हुआ है। 6, अब देखिए यहाँ पर इकाई का अंक 5 है, 3 का भाग जाता नहीं है, 5 और 2 = 7 और 6 = 13 अंकों का योग 13 है, इसलिए क्या है, 3 से भाज नहीं है, तो हम 5 का भाग देते हैं, 5 × 5 = 5, 5 × 2 = 10, 5 × 25 = 125, 125। फिर हम पुनः 5 का भाग देते हैं, 5 × 2 = 10, 5 × 25 = 25, 25 में पुनः हम 5 का भाग देते हैं, 5, और फिर 5 में 5 का भाग देते हैं 1, तो यहाँ हम 10,000 बराबर इनके गुणज, 2 × 2 × 2 × 2, यहाँ देख लेंगे, 1, 2, 3, 4, 4 बार आया है 2 का, तो 1, 2, 3, 4 गुणा 5, 5 से कितने आए हैं, 4 गुणा 5 × 5 × 5 × 5, ये आपका आंसर हो जाएगा। अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए, ठीक है। इसके बाद में आप देखते हैं प्रश्न नंबर 6। देखिए प्रश्न नंबर 6, 1729 के सभी अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए और उन्हें आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अब 2 क्रमागत अभाज्य गुणनखंडों में यदि कोई संबंध है तो लिखिए। तो आपको जो संख्या दी गई है, सर्वप्रथम हमें उसका अभाज्य गुणनखंड करना है। हल 1729 का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड 1729, तो देखिए इस संख्या में 2 का भाग जाने रहा, अंकों का योग 9 और 2 = 11, 7 = 18, 19, 3 का नहीं जाता, 4 का नहीं जाता, 5 का नहीं जाता, 6 का नहीं जाता, 7 का जाएगा, कितने जाएगा, 7। तो देखिए 7 का भाग देते हैं, 7 × 2 = 14, 7 × 2 = 14, कितने बच गए, 3, 2, 7 × 4 = 28,
कितने बच गए, 32 में 28 गए 4, 7 49, ठीक है। अब इसमें 7 4 11 12 13, 2 का नहीं जा रहा, 3 का नहीं जा रहा, 4 का नहीं जा रहा, 5 का भी नहीं जाता, 6 का भी नहीं जाता है, 7 का भी नहीं जा रहा है, 8 का भी नहीं जा रहा है, 9 का भी नहीं जा रहा, तो इसमें जा रहा 13 का, 13। तो देखिए 13 एकम 13, एक बार 13 एकम 13। अब इसमें से आपको घटाना है, 24 में से 13 गए, जब 11 बचे, पीछे की संख्या उतार ली, तो ये हो गए 117। 13 7 91 13 4 13 9 117, 9 बार। यहाँ होता है 19 प्राप्त होता है, 19 में 19 का ही भाग जाता है, तो ये इसका अभाज्य गुणनखंड हो गया। 17 1229 बराबर 7 × 13 × 19, ये आरोही क्रम है, बढ़ता हुआ क्रम, पहले संख्या 7, फिर उससे बड़ी 13, फिर उससे बड़ी 19। तो अब देखिए इन्हें आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए, आरोही क्रम में व्यवस्थित कर दिया गया है। अब दो क्रमागत अभाज्य गुणनखंडों में यदि कोई संबंध है तो आप उस संबंध को लिखिए। अब हम इसमें देखते हैं कि 7 × 13 इन दोनों के मध्य में कितना अंतर है, 7 + 6 13 और 13 + 6 19। तो इन गुणनखंडों में, इन गुणनखंडों में छः का अंतर, इन गुणनखंडों में 6 का अंतर है। अब दो क्रमागत अभाज्य गुणनखंडों में यदि कोई संबंध है तो लिखिए, संबंध है 6 का अंतर है, अर्थात 6 का अंतर है ठीक है। इस प्रकार से हम इनको करेंगे। इसके बाद में देखिए प्रश्न नंबर 7, देखिए प्रश्न है 7, 3 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल सदैव 6 से विभाज्य होता है, इस कथन को कुछ उदाहरणों की सहायता से स्पष्ट कीजिए। 3 क्रमागत, कोई भी संख्या ले सकते हो, हल 3 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल, तो यहाँ आप कोई भी 3 संख्या ले सकते हैं, 2 3 4, इनको गुणा करते हैं, क्रमागत है 2 3 4, 2 × 3 × 4, 2 3 6, 6 4 24, 24 6 से भाज्य है, 24 है जो क्या है, 6 से भाज्य है, 24 6 से भाज्य है, अन्य कोई भी संख्या क्रमागत आप ले सकते हो, 5 6 7, मेरे तरफ से 11 12 13 20 21 22, आप कोई सी भी संख्या ले सकते हैं, 5 6 7 5 6 7, गुणनफल 5 × 6 × 7, 5 6 30 7 21, 5 6 30, 3 7 21, 210, इनका गुणनफल कितना आता है, 210। क्या ये है 6 से भाज्य है, 2 से भाज्य है, अंकों का योग 3 का गुणज है, तो ये संख्या 6 से भाज्य है, संख्या 2 से 3 से भाज्य आता है, संख्या 6 से भी भाज्य है, संख्या 2 व 3 से भाज्य है, अतः यह संख्या 6 से भी भाज्य होगी, 6 से भी भाज्य होगी। तो 3 क्रमागत, कोई सी भी संख्या है आप 3 क्रमागत
संख्या लेते हो, उनका गुणनफल ज्ञात करते हो, तो फैक्ट बात है कि वह गुणनफल 6 से भाज्य होगा। इसके बाद में देखिए प्रश्न नंबर 8। देखिए प्रश्न नंबर 8, दो क्रमागत विषम संख्याओं का योग 4 से विभाज्य होता है, कुछ उदाहरण लेकर इस कथन का सत्यापन कीजिए। हल, दो क्रमागत विषम संख्याओं, दो क्रमागत विषम संख्या आप कोई सी भी दो क्रमागत विषम संख्या ले सकते हो, एक और तीन विषम संख्या है, एक व तीन, तो एक प्लस तीन बराबर चार, चार से भाज्य। ठीक है, सात व नौ, सात प्लस नौ बराबर 16, चार से भाज्य। कोई भी संख्या ले लो, दो विषम संख्या, 15 प्लस 17, तो 15 प्लस 17 बराबर 32, चार से भाज्य। ठीक है, तो इस कथन को सत्यापित कीजिए, दो क्रमागत विषम संख्याएं, मैंने आपको तीन उदाहरण बता दिए हैं, इस प्रकार से आप कोई भी दो क्रमागत विषम संख्याएं ले सकते हैं और उनका क्या करना है, आपको योग करना है, और वह संख्या योग होगा जो निश्चित रूप से 4 से भाज्य आएगी। ठीक है, इसके बाद में देखिए प्रश्न नंबर 9। देखिए प्रश्न नंबर 9, निम्न में से किन व्यंजकों में अभाज्य गुणनखंड किए गए हैं, तो यहाँ देखिए ए में 24 का अभाज्य गुणनखंड 2 × 3 × 4, गुणनफल तो यही आता है, परंतु ये 4 का भी तो अभाज्य गुणनखंड हो जाता भी, तो इसलिए नहीं। 56 का 1 × 7 × 2 × 2 × 2, गुणनफल यही आता है, 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, 8 × 7 = 56, सत्य है। 70 का भाज 2 × 5 × 7, 2 × 5 = 10, 10 × 7 = 70, सही है। 54 का 2 × 3 × 9, 9 × 3 = 27, 27 × 54, परंतु यहाँ 9 आ गया, 9 का भी अभी टुकड़े होते हैं इसलिए नहीं है। तो इसमें देखिए बी व सी के अभाज्य गुणनखंड, बी व सी के अभाज्य गुणनखंड है। बी व सी, बी और सी का क्या है, अभाज्य गुणनखंड हो रहे हैं, बाकी इनके अभाज्य गुणनखंड सही नहीं हैं, तो बी व सी के अभाज्य गुणनखंड हैं। ठीक है, इसके बाद में देखिए प्रश्न नंबर 10। तो देखिए प्रश्न नंबर 10, बिना भाग किए ज्ञात कीजिए कि क्या 25,110 संख्या 45 से विभाज्य है, संकेत दिया हुआ है 5 और 9 सह अभाज्य संख्या हैं, दी हुई संख्या की 5 और 9 से विभाज्यता की जांच कीजिए। तो हल, संख्या 25,110 में इकाई का अंक 0 है, अतः दी गई संख्या 5 से पूरी भाज्य होगी, 5 से पूरी भाज्य है।
जो आपको संख्या दी हुई है उसमें हमें पता चलता है कि इकाई का अंक जीरो है। अगर इकाई का अंक जीरो अथवा पाँच जाता है तो वह संख्या पाँच से भाज्य होती है, तो यह संख्या पाँच से भाज्य है। इसके बाद में देखिए नौ से, संख्या 25,110 में अंकों का योग 2+5+1+1+0=9। अंकों का योग क्या है? 9। 9 का गुणज है 9। 9 का गुणज है, 9 का गुणज है, अतः दी गई संख्या 9 से भाज्य। ये संख्या क्या है? 9 से भाज्य है। ये संख्या 5 से भाज्य है और 9 से भी भाज्य है, अतः एक अलग नियम बन के आता है, दो सह अभाज्य संख्याओं, दो संख्याएं 5 और 9 से, जो संख्या 5 और 9 से भाज्य है और ये 5 और 9 सह अभाज्य संख्या हैं, तो इनका गुणनफल 9 × 5=45, तो जो दी गई संख्या है वो 45 से भी भाज्य होगी। अतः 25,110 5 और 9 सह अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या से भाज्य है। तो 25,110 भी 25,110 भी 5×9=45 से पूरी भाज्य होगी। ये एक भाजकता का नियम है। 5 और 9 सहभाज्य संख्या हैं, जब कोई संख्या 5 और 9 का पूरा भाग जा रहा है, 5 और 9 से भाज्य है, तो इनके गुणनफल से भी वह संख्या पूरी भाज्य होगी। इसलिए यह संख्या क्या है? भाज्य है। 45 से भी क्या है? पूरी भाज्य है। ठीक है, इसके बाद में अगला प्रश्न देखिए। देखिए अंतिम प्रश्न है, मैं 4 भिन्न भिन्न अभाज्य गुणनखंडों वाली सबसे छोटी संख्या हूँ। भिन्न भिन्न अभाज्य गुणनखंडों वाली, तो देखिए हल, भिन्न 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 अभाज्य गुणन खंडों वाली सबसे छोटी संख्या, तो भिन्न भिन्न अभाज्य गुणनखंडों वाली सबसे छोटी संख्या है 2, 3, 5, 2, 3, 5 और 7। ठीक है, क्योंकि 4 2 में आ जाता है, तो 2, 3, 5 और 7। अब हम इन्हें क्या करते हैं, इनको हम गुणा करते हैं। सबसे छोटी संख्या ये 2×3×5×7, 2 × 6 6×5=30, 30×7 7×21=210। क्या प्राप्त होता है? 210। क्या आप मुझे ज्ञात कर सकते हो? हाँ, 210 है वो संख्या। मैं 4 भिन्न भिन्न 4 संख्याएं 2, 3, 5 और 7,
ये भिन्न भिन्न अभाज्य गुणनखंडों वाली सबसे छोटी संख्या है, दो है, तीन है, पाँच है और सात है। इनका गुणज, इनका गुणनफल दो गुणा तीन गुणा पाँच गुणा सात, दो तिया छः, छः पंजो तीस और तीस गुणा सात, सात तिया इक्कीस अर्थात 210। तो मैं क्या आप मुझे ज्ञात कर सकते हैं? हाँ, वो संख्या 210 है। हाँ, वह संख्या दो सौ दस। इसी प्रश्न के साथ ये वीडियो आपका संपूर्ण होता है, ये अभ्यास भी संपूर्ण होता है। अगले वीडियो में हम आपके लिए अगला अभ्यास लेकर के आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।